पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने विश्व कप से पहले शादी रचा ली है। शाहीन की शादी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी की बेटी। उनकी शादी में पाकिस्तानी टीम के कई खिलाड़ियों ने शिरकत की। शाहीन शाह अफरीदी विश्व कप के शुरू होने से पहले दूल्हा बन गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने शाहिद अफरीदी की बेटी से शादी रचाई है। उनकी शादी में पूर्व क्रिकेट सईद अनवर समेत मौजूदा टीम के कप्तान बाबर आजम भी पहुंचे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार गेंदबाज शाहीन अफरीदी विश्व कप 2023 से पहले दूल्हा बन गए। उनके शादी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कई पूर्व खिलाड़ियों ने शिरकत की और उन्हें नई पारी की बधाई दी। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम भी शाहीन अफरीदी की शादी में पहुंचे। बाबर मेहंदी सेरेमनी में भी शाहीन के साथ नजर आए थे। इस दौरान शाहीन के ससुर शाहिद अफरीदी ने भी बाबर को गले लगाकर स्वागत किया। कप्तान बाबर आजम ने भी शाहीन को गले लगाकर उन्हें शादी की बधाई दी। बता दें कि हाल ही में एशिया कप खत्म होने के बाद ये खबरें निकलकर सामने आई थी कि बाबर और शाहीन के बीच लड़ाई हुई है। हालांकि इन तस्वीरों को देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। वही कहा जाए तो शाहीन अफरीदी दूसरी बार शाहिद अफरीदी के दामाद बने हैं। दरअसल शाहीन ने इसी साल फरवरी में अंशद से शादी रचाई थी। हालांकि उस दौरान शादी में सिर्फ परिवार के सदस्य ही शामिल हो सके थे। ऐसे में दूसरी बार शादी समारोह का आयोजन किया गया है। वही शाहीन अफरीदी ने विश्व कप से पहले दूसरी बार शादी रचाई। इस बार पारिवारिक सदस्यों के अलावा बाहर के मेहमानों को भी न्योता मिला। इसके अलावा शादी की एक ग्रैंड पार्टी भी दी गई है। शाहीन अफरीदी की दूसरी बार शादी की तारीख का ऐलान एशिया कप से पहले ही कर दिया गया था कि 19 सितंबर को निकाह पढ़ा जाएगा, जबकि वलीमा 21 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा। शाहीन अफरीदी की शादी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर बल्लेबाज सईद अनवर भी नजर आए। सईद अनवर का स्वागत खुद शाहीन अफरीदी ने किया। पाकिस्तान टीम एशिया कप की सुपर चार राउंड के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी, जिसके बाद फैंस और पूर्व क्रिकेट टीम के खराब प्रदर्शन से काफी खफा नजर आए थे। इस बीच शाहीन अफरीदी ने अपनी और कप्तान बाबर आजम के बीच अनबन की खबरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की है। बता दें कि पाकिस्तान को एशिया कप के सुपर चार राउंड में अपने आखिरी मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ आखिरी गेंद पर हार का सामना करना पड़ा था और टीम फाइनल में जाने से चूक गई थी। इसके बाद मीडिया में ऐसी खबरें सामने आई थी कि टीम मीटिंग के दौरान बाबर और अफरीदी के बीच तीखा टकराव हुआ था, जिसके बाद मोहम्मद रिजवान ने बीच में आकर मामले को शांत करवाया था। हालांकि अफरीदी ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इन सभी खबरों को खारिज करने का प्रयास भी किया था। मंगलवार को बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो बाबर के साथ बैठकर शतरंज खेलते नजर आ रहे हैं। पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा, परिवार। अफरीदी के इस पोस्ट से पाकिस्तानी फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनको इस बात की खुशी है कि दोनों खिलाड़ियों के बीच सब कुछ ठीक है।